भी मेहनत की थी. हम लोगों ने सिक्किम में इसके लिए 60 डेज के लिए शूट किया था आउटडोर, और 5 लैंग्वेज मूवी मूवीज मूवी. इस वक्त मैं शुभकामनाएं देनी चाहूँगी अपनी पूरी टीम को जो कि हैदराबाद में है, मेरे डायरेक्टर दीपराज सर, मेरे प्रोड्यूसर शंकर नायडू सर, और मेरे सब को एक्टर्स जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया और मुझे आज मेरा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला. एंड सबसे ज़्यादा थैंक्स यूएसए में बैठी मेरी मॉम को, जिनको मैं पिछले डेढ़ साल से मिल नहीं पाई हूँ, और उनकी दुआएं हैं कि उनके बाहर गए गए मेरी मूवी बनी, रिलीज भी हुई, और शायद मैं उनको चला मिलने वाली हूँ और ट्रॉफी साथ में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे ये अवार्ड रेयर के लिए मिला है, जो कि पीयूष मिश्रा जी की एक शॉर्ट फिल्म है जो हमने जियो के लिए की है, वो नेक्स्ट वीक रिलीज हो रही है. सौरभ उसके राइटर और डायरेक्टर है, उनको भी ये अवार्ड मिला. मैं चाहती हूँ कि सौरभ यहाँ पर आए मेरे साथ में. हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सत्यजीत रे जो कि इतने बड़ी पर्सनालिटी है वर्ल्ड सिनेमा का, उनका नाम का अवार्ड लेना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है. थैंक यू. जिन्होंने मेरा नाम इस अवार्ड के लिए चुना, और
आज वो दिन आ गया कि मेरे हाथ में अवार्ड है। कलाकार कलाकार होता है, हर बार एक ही जैसे काम मिलना मुश्किल होता है, तो जो काम मिलता है वो अच्छी तरह से निभाओ और आगे बढ़ते रहो। हम सीआईएन में मिले थे, इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी सीरियल की माइथोलॉजी की, मुझे माइथोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं अलग पॉप के रोल में काफ़ी सारी मैंने फिल्में की, तो साथ में काम करते रहते हैं, जैसे दोस्ताना तो है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उनसे दोबारा मिलने का मुझे मौका मिला और आज जो ये संजय सुधीरेन्द्र साहब के नाम से मुझे जो अवार्ड मिला ये अपने आप में बहुत ही प्रेस्टीज इशू अवार्ड है, बहुत ही सम्मान का अवार्ड है, इसे लेकर हम बहुत धन्य हो गए क्योंकि जिनके हम सपने देखा करते थे, जिनकी फिल्में देख के हम बड़े हुए, जो हमारी इंडस्ट्री के पायनियर हैं उनके नाम का आज अवार्ड मिला है, बहुत खुशी की बात है। ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, बस आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, ऐसे हम अवार्ड लेते रहेंगे। थैंक यू। मेरी एक ही बीवी है और वो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ वजह से हूँ और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से। रमजान शुरू हो गया, सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक हो और चांद मुबारक हो, धन्यवाद। थैंक यू। चाहते हैं कि सत्यजीत ने जो नाम भी इतना बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी है कि हम लोग को इन्होंने ये अवार्ड देके नवाजा गया है, तो हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमको ऐसी चीज़ से मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम लोग और लाइफ में और अच्छी अच्छी चीज़ें करें। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू गेट द सपोर्ट सच अ लेजेंडरी मैन, बहुत बहुत शुक्रिया और वी रियली फील ब्लेस्ड टू हैव दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू फॉर द प्रेस्टीजियस सपोर्ट। आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर एका टीम एंड गणेश तांबे हु इज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर प्रेस्टीजियस फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस अवार्ड एंड रियली अ प्रेस्टीजियस अवार्ड एंड इट विल बी इन टच विद सच। यार बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड मिलने में, शायद ये अवार्ड मुझे मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सालों की मेहनत के बाद एक प्यारा सा अवार्ड चाहिए मेरी फैमिली के लिए, जो आज मुझे लगता है कि सत्यजीत रे अवार्ड मतलब बेस्ट अवार्ड में भी गिना चाहता है। सेगा को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा अपनी तरफ से और सत्यजीत रे आइकॉन सिनेमा अवार्ड 2024 से मुझे सम्मानित किया गया है बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए, बेस्ट कोरियोग्राफर के लिए। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही छोटा अचीवमेंट है लेकिन ये प्राउडली फील कर रहा हूँ मैं कि सत्यजीत रे इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा नाम, तो हम लोग ये प्रेरणादायक पर्सनालिटी है। मैं खुशी से ये बोल सकता हूँ कि मैं और भी बहुत अच्छा मेहनत करूँ, मैं जुनून के साथ काम करूँ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ और भी जिम्मेदारियाँ मेरी बढ़ गई हैं। सिनेमा अवार्ड में आप शामिल हुए, जिस तरह का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। जो नाम है लोग कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, आपको लगता है इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए तो उन लोगों ने याद करें? एक्चुअली जो विदो रहे हैं उनको थोड़ा ऊपर लाने के लिए अच्छी चीज़ और इसके अलावा क्या शेयर करना चाहिए? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। संजय सर आप भी कुछ दो वर्ड बता दीजिए आज इस अवार्ड के लिए। पूरा टाइगर को बुलाएंगे, यहाँ पर जो मान सम्मान किया इसके लिए सबका यहाँ पर आभार व्यक्त कर रहा हूँ और जो मेहनत करते हैं उनको इस यहाँ पर अवार्ड मिल रहा है बहुत खुशी की बात है। लेडी आप क्या कहेंगे, लेडीज भी बहुत सारी थी जिनको अवार्ड से नवाजा गया है, छान नवाजा कार्यक्रम झालेला आहे, अशा ठिकाणी आम्ही फार मध्ये गमले असतो, आपण येऊन खूप छान वाटलं आणि जे लोक पार्टिसिपेट करतात असे छान छान मेहनत करतात तरच त्यांना असं पारिश्रमिक मिळतं, फार गरजेचं आहे, तर खरं सगळ्यांना धन्यवाद है। बहुत अच्छा हुआ है हमारे साथ मास्टर जी कमलनाथ जी कोरियोग्राफर भी आए हैं, तो बस ये बहुत अच्छा हुआ है और उनके साथ उनके गेस्ट भी आए हैं, तो बस बहुत अच्छा हुआ और
प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। ये मुझे ये सेकेंड ईयर है सत्येंद्र आईकॉन, मुझे पिछले साल मुझे दिया गया है बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सत्येंद्र आईकॉन और समाज जी को, जो ये अवार्ड पिछले साल शुरू हुआ है और ये साल जो मैं देख रहा हूँ इतने बड़े पैमाने पर किया है। मैं चाहता हूँ इसको अवार्ड बढ़ाऊँ और अवार्ड मिले और भी हमारे जैसा कलाकार पीछे सबको ये अवार्ड मिले। सत्यजीत राय अवार्ड के सभी कला सभी मेम्बर को मैं धन्यवाद सर। ये अवार्ड फॉर लाइव मीडिया कर रही थी जिसको हमने आगे हर साल इसकी डेट पड़ा था, हम लोगों के गलत हो गया ज्ञान दिन पड़ा था क्योंकि 8:30 बजे चार निकला तो 8:30 बजे नवाजा गया। मैं शब्बीर भाई को उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम जैसे कलाकारों को जब ये अवार्ड मिलता है तो मुझे और भी आगे अच्छा काम करने का एक हमारे अंदर से एक इंस्पिरेशन आती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ और उसका सिलसिला आगे तक जारी रहे। रमज़ान का जिक्र किया है, किस तरह से जाने वाला ये पूरा महीना क्या तैयारियाँ है, किस तरह से इबादत करेंगे? देखिए रमज़ान तो एक नेशनल फेस्टिवल है, जिस तरीके से शुरू से हम लोग तो चूँकि बिहार से हैं तो हमारी जो सभ्यता जो जिस तरीके से हमें बताया गया है रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, तरावी पढ़ना तो बिल्कुल रहता है। अभी हम 10 दिन की तरावी पढ़ने जा रहे हैं जो चूँकि शूटिंग की वजह से ये आज से शुरू हो रही है और 10 दिन इसका सिलसिला तरावी का होगा, बाकी रोज़े तो पूरे महीने रखे पूरी। और ये जो अवार्ड में आने का जो मौका मिला
डायरेक्टर के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम लोग सतीश जी अवार्ड में आए हैं। जो है बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है और साथ में जो कलाकार हैं हमारे आली भाई है, सहराज भाई है, ये सब जितना हो सके लोग अपना एफर्ट दिया है फिल्म को अच्छा बनाने के लिए। अगर सही से अच्छा बना है तो आप लोग का दुआ है तो सोशल भी जाए नवाजा गया है बेस्ट सोशल एक्टिविटीज के लिए। मैं इनको रविंद्र चौहान और उनकी टीम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो रविंद्र चौहान ये जो एक यंग लड़का है इतने यंग एज पे इतना अच्छा अवार्ड्स का प्रोग्राम मोटिवेट कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ये मोटिवेशन का काम है। ये अवार्ड ये अवार्ड चीज़ नहीं है, ये एक प्रोत्साहन है ये लोगों को और अच्छे अच्छे काम करने का कि आगे बढ़ो और दूसरे लोग भी और अच्छे अच्छे काम करो। सर्वप्रथम बहुत खुश है कि जैसे बोलते पूजा का प्रसाद अगर पंडित जी के हाथों से दिया जाए तो बहुत ताकत होती है। फिल्म जगत के सबसे बड़े हस्ती के नाम से आज हमें अवार्ड दिया गया है। हमारी डायरेक्टर साहब है, हमारे बड़े भाई हैं, एक फैमिली में तीन तीन चार चार अवार्ड चले जाते हैं तो थोड़ा खुशी ज़्यादा होती है। राय जी के नाम से अवार्ड है इतना सूरज हाथ में मिल गया। राय सर के नाम से अवार्ड मिला है, बहुत 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 खुशी हो रही है क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड ये फर्स्ट लेवल पर इतना बड़ा अवार्ड ये मुझे तो ऑस्कर से भी ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों पर जो भी टीम का जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया या अवार्ड के लिए चुना। थैंक्स की टीम मेंबर, थैंक्स टू सुनीता डे। इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड जो हमें मिला है इसके लिए, इतना जो हमें सत्यजीत रे का स्पेशल अवार्ड मिला है इसके लिए दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज रमज़ान का पहला चांद रात है तो इस मौके पे ये मिलना इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती है। बहुत बहुत थैंक्स। इतने बड़े फिल्म के मतलब हम लोग तो कला लेने लायक मिले, इतना इन्होंने सिनेमा को इंडियन सिनेमा के गॉड फादर उनका सत्यजीत रे इतना बड़ा नाम है इंडियन सिनेमा का। आई थिंक ही इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। उनके नाम से ये आइकन अवार्ड हो रहा है बहुत बड़ी बात है कि हम इसमें और उसमें हमारी फिल्म द रियल एनकाउंटर का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उनसे इट्स एन ऑनर फॉर अस टू कम टू दिस इवेंट। अवार्ड दिया जा रहा है एक बहुत बड़ी बात है, अप्रिसिएशन है कि भाई हमारे काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन काश ऐसा होता कि हम उस जमाने में पैदा हुए थे तो सत्यजीत रे साहब के साथ काम करने का मौका मिलता है फिर अवार्ड मिलता तो कुछ और बात थी। चलिए उनका नाम लिखा हुआ होगा उस अवार्ड का हमारे लिए तो ये ऑस्कर अवार्ड से कम।